हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए आज के दिन में दो वीडियो आ चुके हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बाइंग करी है शेयर में कैंप्स में एज वेल एज बात करें हिंदुस्तान एरोनोटिक एच -E तो इस शेयर में देखिए स्प्लिट की न्यूज है जिसमें एक अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो इन दोनों शेयर की तरफ नजरें बना के रखिएगा और आज की वीडियो देखिए आपने सुना है सेक्टर रोटेशन के बारे में सेक्टर रोटेशन होता क्या है कि एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में पैसा जाता है अभी अगर हम देखें तो अभी आईटी चल रहे थे तो आईटी में से थोड़ा सा पैसा निकल के आ, आ, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाता हुआ दिखाई दिया फिर उन उस सेक्टर से निकल के इस सेक्टर में तो इसे घूमना कहते हैं कि पैसा है इधर से क्योंकि सबके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि लगा के रखे तो वो धीरे धीरे कभी इस सेक्टर को भगाते हैं कभी उस सेक्टर को भगाते हैं कभी उस सेक्टर को भगाते हैं तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि पहले बहुत भागा था और काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि वो सेक्टर दोबारा यहां पर भागता हुआ दिखाई देगा तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुने हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन स्टॉक्स से रिलेटेड और उस सेक्टर से रिलेटेड की कौन सा से सेक्टर है तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को हिट कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कर लीजिए लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि इस तरीके की वीडियो आपके लिए हम लाते रहे और काफी हम मेहनत भी करते हैं इसके लिए और प्ले लिस्ट में गो थ्रू करिए बैंक वाली की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही पर कोई भी पोजीशन लेनी है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक-एक करके यहाँ पर शेयर के बारे में जानते हैं तो जिस स्टॉक जिस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उस सेक्टर का नाम है ब्रोकिंग ब्रोकिंग इंडस्ट्री ब्रोकिंग ब्रोकिं इंडस्ट्रीज को आपको पता ही होगी कि ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज करती क्या है ब्रोकिंग इंडस्ट्री सिंपली यहां पर शेयर बाजार में जो आप यहां पर ट्रेडिंग करते हैं अः तो उसमें से जो भी पैसा बनता है जो ब्रोकिंग के फॉर्म में वो यहाँ पर लेते हैं तो उसे उन्हीं में उन्हीं कंपनी और काफी सारी यहाँ पर ब्रोकिंग कंपनी है जो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गेंद दे सकती है और मुझे लगता है कि वो शेयर में यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर अच्छा खासा जंप आने वाला है और जितने भी शेयर थे उन्होंने या तो बॉटम बना लिया है या बॉटम बना के थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर भागते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर उन शेयर की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहले हम एक शेयर से रिलेटिव बातें करेंगे इसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज की अगर बात करूं इसी प्राइस के आसपास मैंने पर दो एक से डेढ़ महीने पहले पर वीडियो बनाया था। उसके बाद शेयर थोड़ा सा पर चल रहा है और कहां से पैसे निकल के कहां जा रहे तो उस टाइम यहां पर ये हाँ पे चल रहा था और उसकी वजह से पर पैसे यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देखेंगे तो शेयर इंडिया हुआ था लीडिंग ब्रोकिंग हाउस एंड इंडिया एंड प्रोवाइड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी थ्रू पर्सनलाइज

तो यहाँ पर ऐसे शेयर कभी भी आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं पर और, और स्प्लिट भी दे सकते हैं और यहाँ पर इंटरसिक वैल्यू आठ दिखा रहा है वैल्यू इज द वैल्यू जो एक ट्रू वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो ट्रू वैल्यू यहाँ पर आठ है और पांच सौ पे शेयर चल रहा है तो आपको देखना चाहिए ऐसे अगर बात करें यहाँ पर आ, सेल्स की तो कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं पैंतीस करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर 150 करोड़ बल्कि 200 इससे पहले क्वार्टर में 200 करोड़ की सेल्स तक पहुंचती हुई नजर आई थी पिछले दो क्वार्टर तीन क्वार्टर से अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार का जो नेट प्रॉफिट है चौतीस करोड़ का है, जो कि दो तीन क्वार्टर से अच्छा पांच तो तो के प्रॉफिट में तब्दील हो गया तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको इसे समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट इज डूइंग वेरी ब्रिलियंट जॉब और यहां पर अगर हम बात करें कंपनी आगे चल के बेहतरीन जॉब करती रहेगी रिजर्व्स देखिए यहां पर रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बॉरिंग यहां पर

होल्डिंग ले रखी है तो यहाँ पर आपको चीजें समझने की जरूरत है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ काम करती है तो यहाँ पर शेयर इंडिया की बात करें देखिए परफॉर्मेंस वाइज कंपनी काफी बेहतरीन है इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए और यहाँ पर हम देखें तो देखिए इसने शेयर इंडिया ने यहाँ पर आ, यहाँ पर 25 में यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था और काफी टाइम से जब यहाँ पर मार्केट देखिए गिर भी रही थी ना तब भी इसने यही सपोर्ट बनाया था यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया था उसके बाद तुरंत यहाँ पर ऊपर भागा ये शेयर और फिर देखिए यहाँ पर यही सपोर्ट यहाँ पर बनाते हुए ये चलता हुआ रहा है ये इसका एक बहुत बेहतरीन और बड़ा सपोर्ट है देखिए इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया इससे पहले यहाँ सपोर्ट लिया इसी को बार बार सपोर्ट बना बना रहा है और यहाँ से नीचे जा, जाने को ये शेयर तैयार नहीं है और जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास शेयर आता है ना ये भागता हुआ नजर आता है और बेहतरीन जम दिखाता है तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है अकॉर्डिंग टू मी और ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर दोबारा कभी भी यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे खासे आने शुरू हो गए ये शेयर फिर भाग गया इस इंडस्ट्री में पैसा आना शुरू हुआ ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो शेयर को कभी भी टॉप पर खरीदते टॉप पर आपको फंसने के चांसेस रहेंगे यहां पर अगर आप शेयर को खरीदेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग जिसे कहते न, कहते कहते हैं 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 ना उसे पर लोग कहते कि ब्रेकआउट होगा तब खरीदेंगे वो एक गलत स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब ठीक है बट अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप इन्वेस्टर हो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर आपको ऐसे शेयर को इस टाइम टाइम खरीदना होगा जिस टाइम यहाँ पर नीचे चल रहा होता तो है यहाँ सपोर्ट है तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा इसके अलावा हम दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं दूसरा शेयर ऑल टाइम हमारा फेवरेट शेयर हमने यहाँ पर ये चार सौ रुपए से यहाँ पर आप शेयर को यहाँ पर रिकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आठ सौ तीन का इसने लास्ट टाइम हाई भी बनाया था उसके बाद तो शेयर यहाँ पर बात करें गिरता हुआ नजर आया था छह सौ सात सौ के नीचे आता हुआ दिखाई दिया था दोबारा ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज बेहतरीन है डेट की बात करें तो देखिए कंपनी यहाँ पर लोन भी देती हुई नजर आती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस वजह से यहाँ पर डेट ज्यादा है प्लेजिंग की बात करें कोई यहाँ पर प्लेज नहीं है तो डेट को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए आर ओ सी देखिए सैंतीस परसेंट का आर ओ सी सत्तर परसेंट का आर ओई और इसकी बात करें यहाँ पर पांच का यहाँ पर फेस वैल्यू है पीस के पी पे ये शेयर मिल रहा है और यहाँ पर और बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है तो, बट कोई बात नहीं है यहाँ पर बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाँ है पिछले दो तीन क्वार्टर से हाईस्ट एवर आ रहा है और सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स चौदह करोड़ से सत्ताइस करोड़ दोगुनी होती हुई नजर आ रही है जो की हाइएस्ट एवर है तीन चार साल के अंदर अंदर नेट प्रॉफिट देखिए नेट प्रॉफिट तीन करोड़ का ग्यारह करोड़ हाईस्ट एवर तो यह बताता है कि इन कंपनी को काम

हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से देखे तो कंपनी ने अच्छा खासा मतलब सौ रुपए से ज्यादा की यहां पर दिखा दिया और यहाँ पर देखिए यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है एक यहाँ पर कप कब बन के यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर हैंडल बना के ऊपर निकल जाएगा थाउजेंड रुपीज तक ये शेयर कभी भी यहां पर पहुंच सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए काफी बेहतरीन स्टॉक है जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास आता है शेयर भागता हुआ नजर आता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए बेहतरीन ब्रिलियंट मस्त स्टॉक है इसके अलावा बात करते हैं एक और स्टॉक से रिलेटेड जो की ऑल टाइम फेवरेट यहाँ पर लोगों का हो गया है और जिसने अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई है एंजल ब्रोकिंग मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है आर ओसी है है चौतीस है डेट की बात करें अगेन डेट यहाँ पर नहीं देखेंगे ये लोन ऑन सिक्योरिटीज देता हुआ नजर आता है प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर प्लेज नहीं है पी पच्चीस का पी है और यहाँ पर बात करते हैं और भी कुछ दस का फेस वैल्यू है तो यहाँ पर ऐसे जो भाग शेयर जो अच्छा खासा भाग लेते हैं ना तीन से चौदह की जर्नी तय कर लेते हैं तो वो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टॉक्स अच्छे खासे यहाँ पर स्प्लिट वगैरह देते हुए नजर आ सकते हैं तो ये शेयर भी उनमें से है सेल्स की बात करें चार सौ रुपए की सेल्स है नेट प्रॉफिट देखिए एक करोड़ रुपए का है यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी बात करें तो कंपनी ने चार करोड़ से चौदह पंद्रह करोड़ की यहाँ पर जर्नी टैग तय करिए नेट प्रॉफिट बत्तीस से तीन सौ इकहत्तर करोड़ का है तो यह बताता है कि कंपनी को ग्रोथ करना आता है रिजर्व्स की बात करें थाउजेंड फोर्टी नाइन करोड़ के रिजर्व्स है और यहाँ पर देखिए छह करोड़ का कैश भी है सॉरी इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें अठारह सौ सतहत्तर करोड़ का कैश है जो की बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमेशा ही और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आर ओ सी आर ओ सी ही बढ़ती हुई नजर आ रही है सत्ताईस तो की आर ओ सी फोर्टी फोर परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है एफ आई इसके थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है पॉइंट्स में तो फोर परसेंट की होल्डिंग अभी भी है डी आईस की बात करें उनके पास भी नाइन और थोड़ी

स्टॉक्स आते हैं तो भागते हैं तो आज की डेट देख में देखिए छह परसेंट भाग गया मुझे पता भी नहीं चली ये आज अभी देख रहा हूं तो भागते नजर आ रहा है तो ऐसे जब भी के आते हैं, हैं। टारगेट पहले तो भागता हुआ नजर आएगा और ये की पे ये भी ध्यान ये देना है तो इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड आपको रूबरू कराता हूं आज एक नया स्टॉक है पहले शायद मैंने वीडियो बनाया नहीं मुझे नहीं पता बट एम के ग्लोबल फाइनेंशियल

पर अगर बात करें तो देखिए टारगेट यहां पर और भी कब रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है बट कोई नहीं पहला टारगेट हम यहाँ पर इसे यही देखेंगे कि वन फोर्टी का यहाँ पर इसका टारगेट निकल के आए तो इसकी शेयर की तरफ नजरें बना के रखिएगा इसके अलावा दो शेयर और है। उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं एस uh, एम सी ग्लोबल एस एम सी ग्लोबल की बात करूं काफी बेहतरीन स्टॉक्स है डरने की कोई जरूरत नहीं है इंट्रेंसिक वैल्यू एक सौ इक्यावन की है अब बुक वैल्यू के आसपास इस कंपनी शेयर ट्रेड कर रहा है चौसठ परसेंट का यहाँ पर डेट है जो कि हम समझ सकते हैं किस वजह से हो सकता है प्लेसिंग वन पॉइंट कुछ परसेंट की है और यहाँ पर दोबारा ये माइक्रो कैप कंपनी है सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स काफी जबरदस्त होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर प्रॉफिट भी कंपनी दिखा रही है ईयरली बेसिस पे भी कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है और एस एक जाना माना नाम है अच्छे खास रिजर्व है यहाँ पर कैलकुलेट हम करेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है और यहाँ पर कैश फ्लो थाउजेंड करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर बासठ के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के आस और देखिए इस क्वार्टर में पॉइंट की होल्डिंग बढ़ाई है उन्होंने पर बात करें पब्लिक है

जो कि आपको पता ही है आदित्य बिरला मनी इसके जो रिजल्ट थे काफी बेहतरीन रिजल्ट थे ओके उसके बाद से शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है आर ओ सी देखिए बारह का है आर ओ यहाँ पर उनतालीस का है डेट की बात करें डेट यहाँ पर देखेंगे नहीं आ, मार्केट कैप तीन सौ करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है कोई भी शेयर प्लेस नहीं है यहाँ पर देखे तो देखिए सेल्स सेल्स यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है हाईएस्ट लेवल सेल्स हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का इसी तरीके का परफॉर्मेंस है रिजर्व्स अच्छे खासे कंपनी मतलब फोर्टी टू करोड़ के रिजर्व है डेट हम यहाँ पर देखेंगे नहीं अगर और बात करें यहाँ पर कैश फ्लो की तो कंपनी चार सौ करोड़ का कैश भी है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ और पॉइंट प्रमोर्ट तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए एज इट इज बनी हुई है सेवेंटी की पब्लिक के पास ट्वेंटी दिखाई दिखा रहा है और उसमें ऑपरेटर वगैरह सब चीज एक्टिवेट रहते हैं और जब ये शेयर भागना शुरू करेगा तो आपको एक